हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड, जहां पर आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के नेचर के बारे में। और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में चैप्टर नंबर फर्स्ट ही पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो में जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो चैप्टर का टाइटल है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर टाइटल में ही बता रखा है कि मेन इस चैप्टर के अंदर हमें मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस और उसके नेचर को डिस्कस करना है। तो आज उस नेचर के सही रिलेटेड के एक्चुअल में क्या नेचर है मैनेजमेंट का, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में मैनेजमेंट का नेचर क्या है। सो एक्चुअल में बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट के नेचर को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है। एक्चुअल में किसी भी सब्जेक्ट फील्ड के अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर लोगों की अलग अलग एडवाइस हो सकती है, अलग अलग प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो यही मैनेजमेंट के नेचर के साथ भी था। जनरली कुछ लोगों ने या कुछ फिलोसफर ने अपनी एक थिंकिंग रिफ्लेक्ट करी और बोला कि मैनेजमेंट का नेचर आर्ट है, मतलब एक आर्ट जैसा उसका नेचर है, क्योंकि आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से काफ़ी रिफ्लेक्ट होती हैं। और ऑन दी अदर हैंड एक दूसरी क्लास ऑफ पर्सन थे जिन्होंने ये बोला कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, क्योंकि साइंटिफिक कुछ वी कैन से प्रिंसिपल्स या फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। एक और अदर क्लास है जिसने बोला कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन भी है। सो एक्चुअल में एग्जैक्ट नेचर को डिस्कस करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए कि एक्चुअल में क्या मेन नेचर है मैनेजमेंट का, इसके लिए क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रपोजर थे, जो फिलोसोफर थे, उनको अपनी जो एक बिलीफ थी या थिंकिंग थी उसको प्रूव करने के लिए जनरली बोला गया कि आप प्रूव करें कि किस बेसिस पर ये कंसीडर करा जाए कि मैनेजमेंट आर्ट है या क्यों साइंस माने या क्यों फुल फ्लेज प्रोफेशन माने। एक्चुअल में आज ये जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन से कंसर्न है, जहाँ मैनेजमेंट को डेफिनेशन में यूज़ करा गया है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो क्यों उसको आर्ट यूज़ करा गया है, क्यों आर्ट ही बोला गया है, ये आज के वीडियो में और क्लैरिफाई कर सकते हैं आप लोग। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है या फुल फ्लेज प्रोफेशन कैसे है, कैसे नहीं है, तीनों मतलब इन तीनों में दोनों बातें हैं। सो एक्चुअल में उसको प्रूव करने के लिए क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट जो फिलोसोफर थे, बिजनेस एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो एक सब्जेक्ट मैटर से प्रूव कर रहे थे और मैनेजमेंट के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए उनके फीचर्स को रिप्रेजेंट करा और फिर कंपैरिजन करके एक थ्योरी प्रपोज करी थी। अब एक्चुअल में वो कितना उस चीज़ को रिलेट कर पाए या कितने पॉइंट्स या फीचर्स जो हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के प्रेजेंट थे या मैच कर रहे थे, उसके बीच पर कंक्लूजन हम ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट का नेचर एज एन आर्ट, कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है और है तो क्यों है। सो जिन लोगों ने मैनेजमेंट एज एन आर्ट वाली थ्योरी प्रपोज करी थी, उन्होंने एक्चुअल में आर्ट के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करा, जिसमें से तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ये प्रूव करा गया था, कंपेयर करा गया, जहाँ पर एक पॉइंट है दैट इट इज़ अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब बताया कि आर्ट एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर एक्सेलेंस या परफेक्शन गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक फॉर्मल फॉर्म में आप एजुकेशन ऑप्टेन करोगे। एजुकेशन ऑप्टेन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी आपको नॉलेज ऑप्टेन करना है किसी भी फील्ड में, अगर आप परफेक्शन या स्पेशलाइजेशन चाहते हैं। तो यही बताया कि जो भी आर्ट फील्ड के बंदे हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो वो अपने फील्ड में क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली नॉलेज ऑप्टेन करते हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। एक्चुअल में ये पॉइंट आर्ट का बताया, इसको एक्सप्लेन करा, फिर मैनेजमेंट से कंपेयर करा। एक्चुअल में मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट फील्ड में भी यही है कि जो मैनेजर्स हैं एक्चुअल में उन्हें अपने काम की नॉलेज होती है, उस काम को करने की। फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंस मैनेजर है तो उसको फाइनेंशियल फील्ड की नॉलेज होगी, प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो उस काम में एक्सीलेंट होगा। सो एक्चुअल में किसी भी काम को करने के लिए, अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में बात कर रहे हैं, तो आपको उस काम की नॉलेज होना फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, कि आपको उसकी नॉलेज हो, थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो जितनी रिक्वायर्ड है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। तो मैनेजमेंट
उसी केस में भी क्या है, सिस्टमेटिकली आपको नॉलेज ऑब्टेन करनी है, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल. सो एक्चुअल में ये जो पॉइंट है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो फीचर है आर्ट का, ये एक्चुअल में मैनेजमेंट से जब पहले ही करा गया तो ये बिल्कुल मैच कर गया, क्योंकि मैनेजमेंट में भी क्या है, सिस्टमेटिकली आपको नॉलेज ऑब्टेन करनी है. जहाँ पर जो पॉइंट मैच कर रहे हैं, मैं उनके आगे यहाँ एक टिक लगा रही हूँ, एक राइट का साइन बना रही हूँ. इसका मतलब ये है कि ये फीचर मैनेजमेंट में मैच होते हैं. ओके, इसके अलावा सेकंड फीचर है कि आर्ट पर्सनल स्किल पर बेस्ड है. आर्ट पर्सनल स्किल पर बेस्ड है मतलब कि एक्चुअल में आपको किसी भी फील्ड में, जैसे नॉलेज पहला पॉइंट था कि नॉलेज ऑब्टेन करें, तो आप जिस फील्ड में काम करें और बहुत सारे लोग उस फील्ड में हैं, तो वो सेम नॉलेज ऑब्टेन करें, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज सेम उनको दी जा रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज सेम दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी यूनिक हैं अलग अलग तरीके से. जस्ट एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे डिफरेंट वी कैन से एक कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, तो उनको मान लो एक डांस फॉर्म वो सीख रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल हम इंडियन क्लास फॉर्म लेते हैं, वो भरतनाट्यम सीख रहे हैं. सो एक्चुअल में क्या एक ग्रुप है कई सारी गर्ल्स का, 10 गर्ल्स हैं मान लीजिए, वो एक ही डांस क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं, उनको एक ही मेंटोर है, एक ही उनके स्किपर हैं जो उनको सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई क्या कर रहा है, बेटर, ज़्यादा बेटर कर रहा है अपना इसके इस्तेमाल करके, कि ये स्टेप ऐसे नहीं, ऐसे करा जाए, ये स्टेप ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक फ्यूजन बनाकर किसी भी तरीके से. सो एक्चुअल में क्या है, आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज सेम मिलती है किसी भी एक फील्ड के लोगों को, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी एक पर्सनल स्किल इस्तेमाल करके एक यूनिकनेस डेवलप कर लेते हैं, वरना हर एक फील्ड के बंदे जितने भी और लोग हैं वो सेम हो जाते हैं. तो पर्सनल स्किल का इस्तेमाल होता है, वही चीज़ हमें एक दूसरे से यूनिक बना रही है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप ही लोग देख लीजिए, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल देखिए, समझ भी सकते हैं आप लोग, और कि एक्चुअल में आपके यहाँ स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन. सो एक्चुअल में वहाँ भी टीचर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, सेम सिलेबस कंटेंट तो वही पढ़ा रहे हैं, और एक्चुअल में आपके अगर आप ट्यूशन ले रहे हो प्राइवेट, वहाँ भी आपके टीचर यही सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं. मैं जनरली ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं उसमें हम यही सब्जेक्ट और सेम कंटेंट बता रहे हैं, लेकिन उनको बताने का तरीका अलग है. तो नॉलेज सेम है, कंटेंट सेम है, थ्योरेटिकल नॉलेज सबने ऑब्टेन करी, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका है, एक वे है, वो डिफरेंट है, क्योंकि ये पर्सनल स्किल पर बेस्ड है. यही तो एक दूसरे को औरों से हमें क्या करेगी, यूनिक बनाएगी और डिफरेंट बनाएगी. तो पर्सनल स्किल आर्ट की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आर्ट पर्सनल स्किल पर बेस्ड है. लाइकवाइज मैनेजमेंट के केस में भी ऐसा है कि मैनेजर्स जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं, या उन्होंने थ्योरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर, जो भी नॉलेज ऑब्टेन करी है, तो जब उसको वो परफॉर्म करते हैं तो अपने ओन स्टाइल से करते हैं, मतलब डिफरेंट वे में करते हैं. इसलिए भी क्योंकि जो चीज़ें पढ़ी हैं, एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं होते, रियल लाइफ से कोई रिलेशन उनका नहीं होता. तो जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल काम करते हो तो रियलिस्टिक अप्रोच बहुत डिफरेंट होते हैं जो थ्योरेटिकल में नहीं पढ़े. फिर आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए आपको अपने पर्सनल स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. हालांकि वहाँ नॉलेज भी काम आएगी, लेकिन थोड़ा आपको अपना दिमाग, अपने एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, पर्सनल स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जस्ट इसके लिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है, वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल, एक साइज सबके फिट नहीं आ सकता. इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट को लेकर आप सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सारी सिचुएशन को एक साथ ट्रीट अप नहीं कर सकते. कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए ना तो आपके पास कोई एक मैजिकल फार्मूला है, ना ही रेडीमेड सॉल्यूशन है. आप अपनी पर्सनल स्किल का इस्तेमाल करते हो, और ये जनरली मैनेजर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हर एक मैनेजर एक लीडर की तरीके से काम करता है, और हर एक लीडर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सिचुएशन को अच्छे से टैकल करे. और सिचुएशन कभी एक सी नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है. तो अपने पर्सनल स्किल का इस्तेमाल करता है कि कैसे सिचुएशन को टैकल करना है और एक पीस और हार्मनी मेंटेन करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट के, कि पर्सनल स्किल पर बेस्ड है, ये हमारे मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई यहां एक टिक साइन मैंने लगा दिया, राइट साइन लगा दिया. इसका मतलब ये फीचर हमारे मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है. इसके अलावा आर्ट की और मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि आर्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की, और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है. मतलब एक्चुअल में अगर हम किसी चीज़ में कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी ऐड नहीं करेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो परफेक्शन नहीं आएगा. एक्चुअल में जो भी आर्टिस्ट हैं वो प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूसली अपने काम पर, तभी परफेक्शन या स्पेशलाइजेशन उनके काम में आता है. कोई जनरली एक बार काम करके परफेक्ट नहीं हो जाता,
परफेक्टनेस कब आती है, परफेक्शन कब आता है, किसी भी काम को रिपीटेडली परफॉर्म करे कोई भी बंदा हो, ठीक है। तो ये सेम आर्टिस्ट के केस में भी है, और वो अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए या वी कैन से एक यूनिकनेस लाने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। लाइकवाइज मैनेजमेंट के केस में भी ऐसा है कि मैनेजर क्या है, सारे जो भी फंक्शन है वो रिपीटेड बेसिस पे परफॉर्म होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। पहली वीडियो जो हमारी पार्ट सेकंड जो वीडियो है हमारी पार्ट टू वीडियो, उसमें कैरेक्टरिस्टिक हमने मेंशन करे थे, जहां बताया था कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑनगोइंग फॉर्म में परफॉर्म होंगी, रिपीटेड फॉर्म में परफॉर्म होंगी। सो एक्चुअल में क्या है, रिपीटेडली हर एक काम हो रहा है, एक बार हुआ फिर होगा, रिपीटेड बेसिस पे होगा, तो एक काम एक कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको रिपीटेडली करेगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा उसके, तो क्या होगा, परफेक्शन होगा। हालांकि वो सिमिलर काम आपको बार बार करना है, लेकिन वो चेंज होता रहेगा, उसको काम करने का तरीका बदलेगा, आपको थोड़ा क्रिएटिविटी उसमें ऐड करनी है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि मैनेजमेंट डायनामिक है, हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक है, जहाँ पर हम बिजनेस को चला रहे हैं वहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं, कोई भी चीज़ बिल्कुल कॉन्स्टेंट नहीं है, एक सी नहीं है, चीज़ों में बदलाव आते रहते हैं। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ वक्त के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से चीज़ें बदलनी है, तो आपको थोड़ा क्रिएटिविटी भी यूज़ करनी है। तो मैनेजर क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एक्टिविटी ऑनगोइंग बेसिस पर परफॉर्म हो रही है, और एज पर द मतलब जैसे डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एनवायरमेंट डायनामिक है, तो उसके हिसाब से हमें टाइम टू टाइम चीज़ों को बदलना पड़ रहा है, तो उसमें क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करा जाता है। सो एज यू कैन सी कि जो भी तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं मेजर आर्ट के, वो तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट वी कैन से प्रपोजल रखा था एक बिजनेस कैटेगरी ने, फ्लॉसफर ने, कि मैनेजमेंट कल्चर एज एन आर्ट है, तो उन्होंने इस बात को प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि तीनों कैरेक्टरिस्टिक मैच कर गए मैनेजमेंट से। तो इसके बेसिस पर एक कंक्लूजन ड्राइव करा, और वो कंक्लूजन ये निकला कि एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को क्या कंसिडर कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट। अब क्यों हम मैनेजमेंट को आर्ट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट, सो हाउ कैन यू राइट और एक्सप्रेस द आंसर और द रीजन कि क्यों मैनेजमेंट आर्ट है, बिकॉज ऑल द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज वेल। क्या फीचर है, दैट इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल्स, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। दूसरे कैटेगरी की हम बात करते हैं, जहाँ पर यह प्रपोजल रखा गया कि मैनेजमेंट आर्ट तो है लेकिन उसके साथ साथ साइंस भी है। अब एक्चुअल में क्या था, वहाँ साइंस की कुछ फीचर को कंपेयर करा गया मैनेजमेंट से। अब हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट में भी साइंस के जो फीचर हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं, उसके बेस पे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है जो हमने आर्ट में भी देखा, साइंस में भी क्या है, सिस्टमेटिकली हमें नॉलेज ऑब्टेन करने की ज़रूरत है। किसी भी फील्ड मतलब कोई भी फील्ड है, साइंटिफिक फील्ड है, तो वहाँ पर भी जो साइंस फील्ड के लोग हैं, साइंटिफिक पर्सन है, वो क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट फील्ड से रिलेटेड सिस्टमेटिकल नॉलेज ऑब्टेन करते हैं। मैनेजमेंट के केस में भी ऐसा है, ये सिमिलर पॉइंट है जो आर्ट में भी हमने देखा था। तो ये फीचर क्या है, मैनेजमेंट में भी एज इट इज प्रेजेंट है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में क्या मेंशन कर रखा है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल जो साइंटिफिक रूल्स हैं, लॉज हैं, ओके, जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, डीप रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। क्या मतलब है कि किसी भी साइंटिफिक लॉ को बनाने के लिए जो भी साइंटिस्ट हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, काफ़ी बार उस पर मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिपीटेडली उसको कई नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट या लॉ के अंदर जो चीज़ वो प्रूफ कर रहे हैं क्या वो सही है, एक्यूरेट है या नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर परफॉर्म करके देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म करके देखते हैं क्या उनको सेम रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ओके, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने बिना रिपीटेशन के, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई थ्योरी, कोई प्रिंसिपल प्रपोज कर दिया, तो एक्चुअल में क्या है, उस फील्ड में और भी एक्सपर्ट है तो आपकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करेंगे। सो एक्चुअल में क्या है कि जो भी लॉज बनाए, प्रिंसिपल बनाए हैं साइंस के केस में, उसमें काफ़ी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है किसको, साइंटिस्ट को, उन प्रिंसिपल्स को ड्राइव या प्रपोज करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल बेसिक सा अगर हम कॉन्सेप्ट लें तो बहुत ही कॉमन लॉ की बात कर रही हूँ जो जनरली सबको पता होता है, न्यूटन लॉ की बात कर रहे हैं, और न्यूटन ने जो लॉ ऑफ मोशन दिए थे उसका थर्ड लॉ की बात करते हैं। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो वो क्या कहता है, वो ये स्टेट करता है दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन के लिए या तो आपको जो रिएक्शन मिलेगी वो इक्वल होगी जैसा आपका एक्शन है, या फिर ऑपोजिट मिलेगी। सो एक्चुअल में ये बात
जनरली क्या है, 98% तक एक्यूरेट है, सही है। और ये जो लॉ प्रपोज करा एक्चुअली ऐसा नहीं वन टाइम दे दिया, उसको एक्सपेरिमेंट करा कि हाँ क्या एक्शन का हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका सेम रिजल्ट या ओपोनेंट रिजल्ट हमें मिलता है हर बार या नहीं, इस चीज़ को रिपीटेडली परफॉर्म करा न्यूटन ने, फिर प्रपोज करा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो डीप रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। अब एक्चुअल में हम तो ये यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये फीचर मैनेजमेंट में भी है या नहीं। सो मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मतलब किस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल वे में चला सकते हो, सिस्टमेटिक वे में ऑपरेट कर सकते हो, रन कर सकते हो, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बता रखी है मैनेजमेंट फिलोसफर्स ने। और जो मैनेजमेंट फिलोसफर्स ने कुछ गाइडलाइंस प्रिंसिपल की फॉर्म में फॉर्मुलेट करी हैं, उनको बनाने के लिए भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करा है बिजनेस एक्सपर्ट्स ने, मतलब उनको रिपीटेडली परफॉर्म करके देखा है कि अगर इन प्रिंसिपल को यूज़ करा जाएगा तो क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या ये फ्रूटफुल होंगी, सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी। ये चीज़ उन्होंने क्या करी, एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ जनरली सिग्निफाई करी, वेरीफाई कर ली कि हाँ अगर आप मैनेजमेंट रूल्स को, प्रिंसिपल्स को या गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रूटफुल और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। सो एक्चुअल में क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में भी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है और साइंस के प्रिंसिपल भी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फॉर्मुलेट होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, साइंस का हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो परवेसिव है। परवेसिव का क्या मतलब है, जब वीडियो नंबर 2 में हमने ये पॉइंट डिस्कस करे थे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में, जहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट था कि मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, परवेसिव है, और मैंने उस टाइम आपको मीनिंग बताया था और बोला था कि ये टर्म बिजनेस स्टडीज में बहुत बार आएगा तो आपको पहले ही इसका मीनिंग क्लियरिफाई करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्टली एक ही टॉपिक में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो भी समझ लें। परवेसिव का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमिना जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, मतलब हर जगह जिसका यूज़ करा जाता हो। तो एक्चुअल में जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जो भी साइंटिफिक रूल्स हैं, वो सेम एक फॉर्म में या यूनिवर्सली क्या है, उनकी एप्लीकेबिलिटी है हर जगह, वो एक से ही फॉर्म में क्या करे जाते हैं, परफॉर्म करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा और किसी और इंडस्ट्री में या किसी और कंडीशन के अंदर आपको उसका रिजल्ट और कुछ मिलेगा, ठीक है। तो सेम रिजल्ट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। सो एक्चुअल में क्या है, वो आप कहीं भी किसी भी लैब में परफॉर्म करो, वो उसका रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि साइंस के जितने भी रूल्स, प्रिंसिपल और लॉज बनाए गए हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली मतलब उनको प्रूफ करा गया है और यूनिवर्सली उनका जो रिजल्ट है वो सेम मिलता है। लाइकवाइज मैनेजमेंट भी तो परवेसिव है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक में हमने डिस्कस करा था, क्योंकि मैनेजमेंट परवेसिव है तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी कैसे हैं, परवेसिव है, जो हर जगह यूज करे जाते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, चाहे कमर्शियल हो या फिर नॉन कमर्शियल हो। तो जैसे हमारे साइंस के प्रिंसिपल परवेसिव है नेचर में, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी परवेसिव है नेचर में। तो ये पॉइंट भी क्या है, मैच कर रहा है साइंस का मैनेजमेंट में। इसके अलावा फोर्थ एलिमेंट है कि जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनका नेचर स्टैटिक भी है, परवेसिव के साथ साथ वो रिजिड भी है। अब रिजिड और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना या एक ऐसी चीज़ जिसको हम बदल ना सकें, मतलब जो रिजिड हो, वी कैन से डिफ़िकल्ट टू चेंज हो। तो एक्चुअल में हमारे जो साइंस के प्रिंसिपल हैं हमें उसको एज इट इज़ फॉलो करना पड़ता है, एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर उनको एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वी आर नॉट एबल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट हम उस थ्योरी से या एक्सपेरिमेंट से हम ड्राइव करना चाहते हैं हमको एज इट इज़ मिले, तो उसके रिगार्डिंग हमें उसी के रूल्स, उसी से टेक्निक्स और जो हमें स्टेप्स बता रखे हैं जो परफॉर्मेंस के, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमें वो सेम चीज़ मिल पाएगी। मतलब उसमें हम अपनी मर्जी से या रिक्वायरमेंट या सिचुएशन या ज़रूरत के हिसाब से बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम मैनेजमेंट का नेचर देखें तो मैनेजमेंट तो डायनामिक है, मैनेजमेंट का नेचर डायनामिक है क्योंकि एनवायरमेंट डायनामिक है, तो इसलिए मैनेजमेंट का नेचर डायनामिक है।
और जब मैनेजमेंट का नेचर डायनामिक है तो मैनेजमेंट के लिए जो हमने प्रिंसिपल्स ड्राइव करे हैं उसका नेचर भी क्या है, डायनामिक है। तो एक तरफ बात हो रही है साइंटिफिक प्रिंसिपल की जिनका नेचर रिजिड है, स्टैटिक है, जो चीज़ नहीं हो सकते। ऑन दी अदर हैंड जब हम उसको मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का नेचर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो डायनामिक है और फ्लेक्सिबल है। तो एक्चुअल में यहाँ एक ओपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिल रही है मैनेजमेंट के केस में, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। अब तक चार पॉइंट में तीन फीचर प्रेजेंट है, एक फीचर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें साइंस के केस में, तो क्या बोला जाता है कि साइंस में रेप्लिकेशन पॉसिबल है। रेप्लिकेशन का मतलब है डुप्लीकेशन से, जहां आपको एक सेम इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। सो क्यों बोला जाता है कि साइंस में रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा है कि साइंस के केस में अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर किसी भी चीज़ पर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो और उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट रिसर्च करें एक ही चीज़ के ऊपर, लेकिन वो उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है अलग अलग एरिया में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अलग अलग एरिया और अलग अलग वर्किंग कंडीशन में करने के बावजूद और अलग अलग लोगों के थ्रू परफॉर्म होने के बावजूद हो सकता है कि सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक कंक्लूजन पर आए, मतलब उनका सेम डिसीजन निकल कर आए, इसके चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक सेम रिजल्ट या एक सेम कंक्लूजन पर ड्राइव हो। लेकिन जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, जो कि फुली कंसर्न है या डायरेक्टली कंसर्न है पर्सन से, पीपल से, और पीपल का नेचर और ह्यूमन बींग का नेचर कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है। इसीलिए तो मैनेजमेंट और एनवायरमेंट का नेचर डायनामिक है। तो एक्चुअल में क्या है, मैनेजमेंट किससे डायरेक्टली कंसर्न है, पीपल से, पर्सन से, ह्यूमन बींग से, और ह्यूमन नेचर कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। तो जब ह्यूमन बींग का नेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो एक्चुअल में मैनेजमेंट के केस में डुप्लीकेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो चांसेस हैं, लेकिन मैनेजमेंट के केसेस में चांसेस काफ़ी कम है, कभी कभी निल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फुली प्रेजेंट नहीं है साइंस की मैनेजमेंट के केस में। सो एक्चुअल में यहाँ हमने फाइव पॉइंट्स देखे हैं, जिसमें से तीन पॉइंट प्रेजेंट है जो हमारे मैनेजमेंट के केस में भी प्रेजेंट है, लेकिन दो ऐसे पॉइंट है जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो एक्चुअल में क्या कंक्लूजन हम ड्राइव कर सकते हैं इसके बेसिस पर, जैसे हमने आर्ट के केस में तो कंक्लूजन निकाला कि हम मैनेजमेंट को आर्ट मान सकते हैं, वो भी प्योर मान सकते हैं, क्योंकि आर्ट के तीनों फीचर टोटली प्रेजेंट है हमारे मैनेजमेंट में। लेकिन हम साइंस का कंपैरिजन देख रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, तो हम यहाँ ये फाइंड आउट करा हमने कि सिर्फ तीन फीचर हैं साइंस के जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, दो फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो इसके बेसिस पर हम ये तो नहीं मान सकते कि ये प्योर साइंस है या बिल्कुल एक्यूरेट या एग्जैक्ट साइंस है, ये नहीं कंसिडर करा जा सकता। हालांकि ये भी नहीं मान सकते कि साइंस ही नहीं है, भाई फाइव में से थ्री फीचर तो प्रेजेंट हो रहे हैं ना, तो साइंस तो माना जा सकता है, लेकिन कैसी साइंस मानेंगे। इस डिस्कशन के बाद इट मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज एन इन एग्जैक्ट साइंस। क्यों है इन एग्जैक्ट, बिकॉज ऑल द फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन आवर मैनेजमेंट। सारे के सारे साइंस के फीचर किस में प्रेजेंट नहीं है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या मान रहे हैं, इन एग्जैक्ट साइंस मान रहे हैं। होप सो कि क्लियर हुआ हो कि मैनेजमेंट साइंस इन एग्जैक्ट क्यों है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन की, जहाँ पर अदर बिजनेस एक्सपर्ट ने ये भी प्रपोजल रखा कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन भी है। यहाँ पर टर्म यूज़ कर रहे हैं फुल फ्लेज, हालांकि प्रोफेशन है, लेकिन क्या फुल फ्लेज प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट होती है या नहीं, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक है फुल फ्लेज प्रोफेशन। फुल फ्लेज प्रोफेशन मतलब जैसे डॉक्टर हैं, जैसे लॉयर हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस तरीके के जो प्रोफेशनल कैटेगरी हैं वो फुल फ्लेज में आती हैं। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। किसी भी फील्ड में प्रोफेशनलिज्म ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर फील्ड में सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन करनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल भी एज वेल प्रैक्टिकल, विच इज़ बैक विथ ट्रेनिंग, जिसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सो एक्चुअल में क्या है, ये पॉइंट तो हमने आर्ट में भी देखा था, साइंस में भी देखा था, और वहाँ दोनों में ये मैच हो रहा था पॉइंट मैनेजमेंट से। तो प्रोफेशन के केस में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोफेशन सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमने पहले ही डिस्कस करा है कि मैनेजमेंट में भी क्या है, आपको सिस्टमेटिकली नॉलेज ऑब्टेन करनी पड़ती है। तो ये फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन का। इसके अलावा सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री।
क्या मतलब है कि प्रोफेशन के केस में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आपको एक्चुअल में कुछ एंट्रेंसेस, कुछ एग्जाम को क्लैरिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, तभी आपको एक प्रोफेशनलिज्म मिल सकता है, प्रोफेशनल डिग्री आपको मिल सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रोफेशनल डिग्री या एग्जाम क्वालिफाई करे प्रोफेशनल तरीके से सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, हम फुल प्लेट प्रोफेशनल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्वैक कैटेगरी को इन्वॉल्व नहीं करा जाएगा, वो लोग जो बिना डिग्री के, बिना किसी नॉलेज के, बिना सिर्फ ज़्यादा एक्सपीरियंस के, गेनफुल एक्सपीरियंस के काम करते हैं, उनको हम झोला छाप बोलते हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही है, प्रोफेशनल कैटेगरी की बात हो रही है। तो प्रोफेशन में एंटी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मिनिमम आपको BOMS क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप फिर जनरली प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो मिनिमम ही बताया है मैंने, जनरली क्या है MBBS, आप नीट वगैरह जनरली क्वालिफाई करोगे तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। हालांकि मैनेजमेंट के केस में भी कुछ टेस्ट है, ठीक है, कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज है, लेकिन एंटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि जो जनरली क्या है MBA है वही जनरली क्या करेगा, मैनेजमेंट फील्ड में काम कर सकता है, या मिनिमम BBA क्वालिफाइड होना चाहिए, ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं है। आपके पास जनरली क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, तब भी आप एज अ मैनेजर काम कर सकते हो। वो क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि मतलब कोई भी बंदा काम कर सकता है, चाहे इलिटरेट हो एज अ मैनेजर, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअल में ये प्रोविज़न इसलिए डाला गया है, जैसे आपने पढ़ा है क्लास 11th में डिफरेंट फॉर्म के बारे में, जहाँ एक फॉर्म थी सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल होता है जो अपने बिजनेस को मैनेज ऑपरेट करता है, ओन करता है, तो वो मैनेजर भी वही है, ओनर भी वही है, एम्प्लॉयर भी वही है, एम्प्लॉय भी वही है, तो वो भी तो मैनेजर के तरीके से काम कर रहा है। और उसके लिए हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटर में रिटेल शॉप आती है, तो आपने आसपास कितनी रिटेल शॉप देखते हो, क्योंकि हम डायरेक्टली रिटेलर से ही परचेज करते हैं सारा सामान, तो कितने रिटेल शॉप ओनर को आप ऐसे जानते हो जो हाईली क्वालिफाइड है? नहीं ना। एक्चुअल में क्या होता है, ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में क्या है, एंटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे कि फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन के केस में, तो ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हर एक प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब होता है कि आपको मिनिमम इतना क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। जैसे इस वाले सेकंड पॉइंट में भी हमने डिस्कस करा कि अगर इफ़ यू वांट टू बी अ लॉयर, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो जनरली आप LLB पहले करो, फिर उसके बाद LLM, जनरली आप मास्टर डिग्री चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम LLB हो गया। सो एक्चुअल में क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हर एक केस में प्रिस्क्राइब है, जो मैनेजमेंट के केस में नहीं है, अब तक नहीं है। हालांकि आगे आने वाले टाइम में ये कंपनसेशन आ जाएगी मैनेजमेंट फील्ड में भी, कि अगर हमारा स्टाफ क्वालिफाइड नहीं होगा या उसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं रखेंगे, तो इससे आगे आने वाले टाइम में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए जो वी कैन से प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं और MNCs हैं, वो इस क्राइटेरिया पर, इस पॉइंट पर काम कर रही हैं, लेकिन फुली प्रेजेंट नहीं है अभी, टिल नाउ अभी तक फुली प्रेजेंट नहीं है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाला पॉइंट मैनेजमेंट में। तो ये फीचर भी एक्चुअल में क्या हुआ, प्रोफेशन का हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हर एक प्रोफेशन कैटेगरीज की, कोर्सेज की एक डिफरेंट या रिस्पेक्टिव एसोसिएशन होती है, और जहाँ से उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने वाले लोगों को रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का, एक्चुअल में जैसे मान लीजिए जितने भी लॉयर हैं वो कंपलसरी रजिस्टर्ड होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो ये कंपलसेशन है कि वो वहाँ से रजिस्टर्ड हो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, कोई वॉलेंट्री नहीं है कि मर्जी है, आप ये करो, रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो करा लो, अदरवाइज कोई कंपलसेशन नहीं है, नहीं कंपलसरी है, जब भी आप क्या कर पाओगे, बीइंग अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशनल आप सर्विसेज रेंडर कर पाएंगे। सेम डॉक्टर के केस में, अगर आप बीइंग एज अ डॉक्टर प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करना चाहते हो सोसाइटी में, तो आपको ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से सर्टिफाइड होना पड़ेगा। सो एक्चुअल में क्या है, हर एक प्रोफेशन की एक अलग अलग एसोसिएशन बना रखे हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI के मेंबर होते हैं, तो वहाँ से सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो एक्चुअल में हर एक प्रोफेशन के केस में रिस्पेक्टिव एसोसिएशन बना रखी है, और उस फील्ड के लोगों को क्या करना है, वहाँ से रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। हालांकि जब हम ये बात मैनेजमेंट से कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में मैनेजमेंट में भी क्या है, मैनेजमेंट एसोसिएशन है मैनेजमेंट का, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन वहाँ से मैनेजर को रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है, मर्जी है। तो एक जगह बात हो रही है, स्ट्रेस दिया जा रहा है कि कंपलसेशन है आपके ऊपर, मैंडेटरी है, रजिस्टर कराना ही कराना है। ऑन दी अदर हैंड, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट फील्ड से, वहाँ क्या है, वॉलेंट्रीनेस दिखाई जा रही है, ऑप्शनल है आपके लिए रजिस्टर्ड होना। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, एक जगह कंपलसेशन, दूसरी जगह आपको कंपलसेशन नहीं
बताया जा रहा है। सेक्शन में ये फीचर भी क्या हुआ, प्रोफेशन का हमारे मैनुअल में प्रेजेंट नहीं है। एंड लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस होता है, मतलब प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ का मोटिव ही यही है एक्चुअल में कि सर्विस रेंडर करना। जैसे डॉक्टर है वो सर्विस रेंडर करता है, सर्विस ही तो रेंडर कर रहा है, क्योर कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है पेशेंट का। डॉक्टर क्या, जो लॉयर है वो भी क्या कर रहा है, सर्विस रेंडर कर रहा है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी सर्विस रेंडर कर रहा है। एक टीचर है वो भी सर्विस रेंडर कर रहा है। सो एक्चुअल में प्रोफेशनल कैटेगरी का मोटिव होता है सर्विस, लेकिन मैनेजमेंट जो हम बिजनेस फील्ड में पढ़ रहे हैं उसका मोटिव बड़ा क्लियर है जो कि प्रॉफिट मोटिव है। तो जब यहाँ पर इंटेंशन ही डिफरेंट है, एक फील्ड की इंटेंशन सर्विस रेंडर करना है, दूसरे फील्ड जिसको जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका इंटेंशन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ इंटेंशन ही क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, मिसमैच कर रही है। तो ये फीचर भी हमारा प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के केस में। तो हमने फुल फ्लेज प्रोफेशन के केस में यहाँ 5 पॉइंट डिस्कस करे हैं, और डिस्कशन के बाद कंपेरिजन के बाद हमने ये फाइंड आउट करा कि सिर्फ एक ही फीचर है फुल फ्लेज प्रोफेशन का जो हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, इसके अलावा 4 फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो भाई क्या कंक्लूजन हम इससे ड्राइव कर सकते हैं, क्या हम मैनेजमेंट को फुल फ्लेज प्रोफेशन मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रिजल्ट हमारे सामने है कि 4 फीचर प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे मान सकते हैं सिर्फ एक ही फीचर प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर तो हम फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं मान सकते। तो क्या कंक्लूजन निकला, दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट को हम क्या नहीं मान सकते, फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं मान सकते, बिकॉज all the main features of full-fledged profession is not fully present in our management. So, यहाँ पर हम management के nature को discuss कर रहे थे कि actual में क्या nature है, और एक point जैसे मैंने starting में बताया था कि definition में use करा गया कि management art है, तो ये बात अब ज़्यादा clear हुई होगी कि क्यों art है, क्योंकि actual में art के जो major characteristic है वो fully present है हमारे management में, इसीलिए हमने management के nature को क्या consider करा है, art, और इसीलिए एक डेफिनेशन में यूज़ करा गया है मैनेजमेंट को एक आर्ट के तौर पर, नहीं ना कि साइंस ना कि फुल फ्लेज प्रोफेशन के तौर पर, क्योंकि वो फुल या प्योर आर्ट है, इसीलिए डेफिनेशन में आर्ट के फॉर्म में सेंस में उसको मेंशन करा गया है, डिफाइन करा गया है। हमने देखा कि मैनेजमेंट साइंस है लेकिन इन एग्जैक्ट है, बिकॉज ऑल द फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन आर मैनेजमेंट। फुल फ्लेज प्रोफेशन के फीचर देखे, जहाँ पर हमने ये देखा कि सिर्फ एक ही फीचर प्रेजेंट है और 4 फीचर जो है प्रेजेंट नहीं है, इसके पीछे क्या कंक्लूजन ड्राइव करा कि मैनेजमेंट को हम फुल फ्लेज प्रोफेशन कंसीडर नहीं कर सकते। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ मोस्टली स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, एक डिटेल टॉपिक भी है। आई होप कि अब थोड़ा आपको आसान हुआ हो टॉपिक को समझना, और अगर आपको आसान लगा, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आप अपने फ्रेंड की भी हेल्प करें, दूसरों के बारे में भी ज़रूर सोचें, इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करके अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और नोटिफिकेशन भी मिलते रहें टाइम टू टाइम जो वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं, और प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें अगली वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।